हेलो फ्रेंड्स, मैं एलिसगढ़ जय इलेक्ट्रिकल रेलवे डीएफसी से आइए। तो बहुत सारा क्वेरी जा रहा है कि रिजल्ट कब आएगा ओपीबीटी का, और वेटिंग लिस्ट के बारे में बहुत सारा क्वेरी जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट कब जारी किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, उतना अच्छा से टाइम नहीं मिल पा रहा था तो हम वीडियो नहीं बना रहे थे। मैंने पहले ही वीडियो बनाया था जिसमें हम कहे थे कि मई में फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट आया नहीं, हमें जैसा जानकारी मिलता है बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो कह देंगे वही हो जाएगा, तो एक एक्सपेक्ट भी बताते हैं जैसा हमें जानकारी मिला था। तो आपको बहुत सारा मैसेज कर रहे हैं भाई कि हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो ऐसा अब क्या ही कर सकते हैं। डीएफ सर थोड़ा रिजल्ट में लेट करती ही हैं, आपका रिजल्ट आने के बाद बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है, बाकी रिजल्ट में थोड़ा टाइम तो लगता है। अभी ज़्यादा इसलिए टाइम हमें लगता है लग गया है कि अभी एक तो इलेक्शन के कारण हो सकता है कि नहीं आ रहा हो, और एक और कारण है कि डीएफएसएल में जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था और जो भी डिपार्टमेंटल का प्रोसेस हुआ था वो बहुत सारा लगभग सभी पोस्ट का यहाँ पे डिक्लियर हो रहा है, तो उसके लिए भी हो सकता है कि थोड़ा लेट हो। अभी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ये सब के लिए एग्ज़ाम हुआ था, फिर एग्जीक्यूटिव के लिए हुआ था, फिर जूनियर मैनेजर के लिए, तो इन सब का एग्ज़ाम हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, तो इन सब का रिजल्ट धीरे धीरे आ रहा है। और एक मामला जो था वो कोर्ट में फंसा हुआ था तो उसको क्लियर हो रहा था, तो ये सब क्लियर हो गया है। इसीलिए लगता है कि यहाँ पे डीएफएसएल थोड़ा लेट कर रहा है यहाँ पे रिजल्ट में, क्योंकि ये सारा प्रोसेस अभी अभी बाकी है, और सब जो भी लिस्ट आएगा प्रमोशन का वो सब भी बाकी है, तो इसी के लिए हो सकता है कि लेट हो या अभी इलेक्शन के कारण ही, ये दोनों ही एक कारण बन जा रहा है यहाँ पे रिजल्ट लेट आने का। तो ज़्यादा आप तो लगभग आ ही जाना चाहिए, अभी आपका हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में आ जाए, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो जाएगा तो जून के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए रिजल्ट आपका। तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, इतना वेट किए हैं तो वेट कर लीजिए, क्योंकि डीएफएसएल थोड़ा रिजल्ट में लेट करता है, बाकी इसके बाद का जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट होता है। तो थोड़ा आप बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें और रिजल्ट आएगा ही, आना ही है, तो बिल्कुल जून में आ जाएगा। और वेटिंग का बहुत सारा यहाँ पे चल रहा है कि वेटिंग का कब आएगा, वेटिंग कितना वेटिंग आएगा, तो वेटिंग भी आ जाएगा जून में, आपका वेटिंग बिल्कुल आना है जून में, लगता है सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक या लास्ट तक वेटिंग बिल्कुल आ जाएगा, आने लगेगा वेटिंग आपका। तो वेटिंग में जैसे बहुत सारा भाई हैं जो ज्वाइन नहीं किए हैं, कुछ कुछ एक्सटेंशन भी लिए होंगे, तो अभी जूनियर एक्टिव इलेक्ट्रिकल में आपको 6 कैंडिडेट ज्वाइन किए थे, और उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी में अभी 94 कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं, बाकी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 21 कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं। तो ये सब सीट और खाली है, या हो सकता है कोई एक्सटेंशन लिए हो तो बाद में ज्वाइन करें, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ होगा, बाकी वेटिंग आएगा। तो वेटिंग जो है सभी पोस्ट पे आने वाला है और 100% वेटिंग आएगा। बहुत सारा मैसेज भी आता है कि वेटिंग इस बार नहीं आएगा, क्योंकि लिखा है नोटिफिकेशन में कि कोई भी स्टैंड बाई पैनल मेंटेन नहीं किया जाएगा। स्टैंड बाई पैनल का मतलब होता है कि रिजल्ट के साथ ही आपका जो वेटिंग आता है वो होता है स्टैंड बाई पैनल, तो ऐसा इसमें नहीं, इसीलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि रिजल्ट के साथ में कोई वेटिंग नहीं आता है। वेटिंग हमेशा डीएफएसएल बाद में यहाँ पे जारी करता है, सभी का ज्वाइनिंग हो जाने के बाद, जो भी प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ वेटिंग आता है। तो वेटिंग जल्दी से जल्दी वेटिंग भी आएगा, जिनका बहुत ही कम नंबर से, थोड़ा बहुत कम नंबर से छूटा है, पॉइंट नंबर ऐसे करके कुछ कुछ छूटा है, तो उनका हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा नंबर घटने वाला नहीं है, क्योंकि देख ही सकते हैं कि पॉइंट पॉइंट में यहाँ पे नंबर है, तो ज़्यादा घटने वाला नंबर नहीं है। जो बॉर्डर पे थे उनका बिल्कुल चांस बनता है कि आ जाए, और सभी पोस्ट में आएगा, जो भी पोस्ट हम नहीं बोले हैं उसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत वेटिंग आए ही, क्योंकि सभी कैंडिडेट तो ज्वाइन किए नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ सब में खाली ही है, तो वहाँ पे सभी पोस्ट का वेटिंग आएगा। आप बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें और आगे की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, बाकी रिजल्ट तो आ जाएगा और वेटिंग भी आपका जून में लास्ट तक हो सकता है कि आ जाए। तो यही सब था इस वीडियो में, बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।